वेलकम। हिंदी सुमन प्रथम भाषा 5th स्टैंडर्ड पाठ 4 तात्या टोपे के प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ: खदेड़ना, भागना, आक्रमण, हमला, धावा बोलना, हमला करना, अनुरोध, प्रार्थना, घनिष्ठ का मतलब निकट का, हथकंडा मतलब उपाय, व्याकुल के मतलब बेचैन, विकल मतलब बेचैन विकल, भयंकर का मतलब भयानक, अंततः का मतलब अंत में, विश्राम का मतलब आराम, विश्वासघात का मतलब धोखा देना, छल करना, पूछ करना करना इसका मतलब है रवाना होना। अभ्यास: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से अधिक लाभ उठाकर स्वयं को संपन्न करना उनका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न 2, भारत की संपत्ति को लूटने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया? उत्तर, भारत की संपत्ति को लूटने के लिए अंग्रेजों ने हर हथकंडा अपनाया, भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़पा, किसानों के कच्चा माल न्यूनतम मूल्य पर खरीदा और रईसों के खजानों को लूटा। तीसरा प्रश्न, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में शुरू हुआ था। चौथा प्रश्न, तात्या टोपे कौन थे? वे नाना साहेब के सेनापति कैसे बने? तात्या टोपे एक भारतीय सपूत थे। तात्या टोपे का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे नाना साहेब के यहाँ एक सिपाही के पद पर कार्य करते थे। जब नाना साहेब व अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध छिड़ा तो उनका एक नया रूप उभर कर सामने आया। अपनी वीरता और पराक्रम के कारण वे एक मामूली सिपाही से नाना साहेब की सेना के सेनापति बन गए। पांचवा प्रश्न, अंग्रेजी सेना कानपुर की ओर क्यों भागने लगी? कानपुर के आसपास घने जंगल थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इन जंगलों में छिप जाया करते थे और जब तक अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करते रहते थे। उनके इस प्रकार आक्रमण करने से अंग्रेजी सेना घबराकर कानपुर शहर की ओर भागने लगी। छठा प्रश्न, तात्या टोपे नरवर के राजा के यहाँ क्यों गए? एक बार अंग्रेजों और तात्या टोपे के सेना के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था। अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते करते तात्या टोपे घायल हो गए। उन्हें विश्राम की सख्त आवश्यकता थी। वे नरवर राज्य पहुंचे। सातवां प्रश्न, नरवर के राजा ने तात्या टोपे के साथ कैसा विश्वासघात किया? नरवर का राजा उनका घनिष्ठ मित्र तो था, परंतु उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे अपना घनिष्ठ मित्र समझ रहे हैं वह आस्थिन का सांप निकला। अंग्रेजों की सहानुभूति पाने के लालसा में नरवर का राजा विश्वासघाती निकला। उसने मित्रता के नाम को कलंकित कर दिया। प्रश्न 2, उचित शब्दों से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, अंग्रेजों के अत्याचार असहनीय हो गए थे। दूसरा प्रश्न, तात्या टोपे का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर की ओर भागने लगी। चौथा प्रश्न, लखनऊ में अंग्रेज सेनापति और भारतीय योद्धाओं के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था। पांचवा प्रश्न, अंग्रेज सेनापति किसी भी तरह से तात्या टोपे को बंदी बनाना या मारना चाहता था। थर्ड मेन, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। तात्या टोपे का जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। गलत, ये ब्राह्मण। दूसरा प्रश्न, सन
1857 में समस्त भारतवासी एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, सही। तीसरा, लखनऊ में तात्या टोपे और अंग्रेज सेनापति के सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, गलत। चौथा प्रश्न, तात्या टोपे युद्ध में घायल हो गए, उन्हें विश्राम की सख्त आवश्यकता थी, सही। पांचवा प्रश्न, जिसे तात्या टोपे अपना घनिष्ठ मित्र समझ रहे थे उसी ने तात्या की मदद की। छठा प्रश्न, नरवर का राजा विश्वासघाती निकला, सही। सातवां प्रश्न, तात्या टोपे को आजीवन कारावास की सजा दी गई, गलत। बन गया वाक्य। फोर्थ मेन, नमूने के अनुसार अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नमूना, सेनानी सेनानी अपने देश के लिए मर मिटता है। प्रश्न एक, भारतीय, मैं भारतीय हूं। दूसरा, साधारण, तात्या टोपे साधारण परिवार से थे। तीसरा प्रश्न, आक्रमण, लखनऊ में भारतीय सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, अनुरोध, विकास हिंदी सीखने की अनुरोध किया। पराजय, फिफ्थ क्वेश्चन, सेना युद्ध में पराजय हो गया। मुकदमा, छठा प्रश्न, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। फिफ्थ में, समरूप विभिन्नार्थक शब्दों का नमूने के अनुसार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नमूना, अचार, आचार, मैंने कल आम का अचार खाया था। पिकल, अचार मीन्स पिकल, आचार मीन्स बिहेवियर। उनके आचार विचार अच्छे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनल अनिल, अनल, खाना खाने के बाद पेट की अनल शांत हो गई, अनल मीन्स अग्नि। अनिल, अनिल मीन्स गैस, विषकारी अनिल का सेवन स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, मैंने आम और केला दोनों फल खा लिए। दिन, आज का दिन बहुत सुहाना है। दीन, दीन भिक्षुक खाना मांग रहा था। फल, फल, फल मतलब टाइम, विद्यार्थियों के लिए हर पल महत्वपूर्ण होता है। फल, आम एक फल है। नमूने के अनुसार मिलान कीजिए। नमूना, धनवान निर्धन, अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थक शब्द। बेचना खरीदना, ऊपर नीचे, सहनीय असहनीय, अधिक अल्प, स्वतंत्र परतंत्र, प्रारंभ अंत। क्वेश्चन नंबर सेवन, नमूने के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। नमूना, पानी जल, पानी मीन्स जल, मीनिंग शब्द का अर्थ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, गुलाम, दास, दिस इज नॉट दस, इट इज दास, दास। सेकेंड, समस्त सब। तीसरा प्रश्न, संभव मुमकिन। फोर्थ वन, अधिक ज्यादा। फिफ्थ, प्रथम पहला। सिक्स्थ, तारा नक्षत्र। नमूने के अनुसार सही शब्द का मिलान कीजिए। अंग्रेज लूटना, तात्या टोपे वीर सपूत, प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857, 1857, सेना मुकाबला, नरवर का राजा विश्वासघाती। भाषा भोज, मुहावरे, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लाठी की सहारा होती है, उसी प्रकार जरूरत के समय कोई व्यक्ति एकमात्र सहारा बनता है। इस भाव को समझने के लिए मुहावरा बना अंधे की लाठी होना। मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग।
आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना अर्थ। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, धोखा देकर भाग गया। मुंह छिपाना, लज्जित होना। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हें दूसरों से मुंह छिपाना पड़े, लज्जित होना पड़े। अब आपकी बारी। धावा बोलना। भारतीय सेना ने अंग्रेजों पर धावा बोला। धावा बोला मीन्स आक्रमण करना। सेकेंड वन, जड़ से उखाड़ फेंकना। कोरोना 19 को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, मतलब निर्मूलन करना। थर्ड वन, नाको चने चबाना। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को नाको चने जबाया। फोर्थ वन, आस्थीन का सांप। नरवर के राजा आस्थीन का सांप बन के तात्या टोपे को धोखा दिया। आस्थीन का सांप मतलब धोखा देना। Please subscribe my channel, hit the bell icon and save the playlist. Thank you very much. Bye bye.